ओपन करते हो और आपको अचानक इस प्रकार का मैसेज देखने को मिलता है, तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हैं। यह प्रॉब्लम हमें ज़्यादातर तब देखने को मिलती है जब हम अपना सिस्टम का विंडो चेंज कराते हैं। तो ऐसे केस में आप जब आपको इस प्रकार का यहाँ पर एरर देखने को मिले जिसमें लिखा आएगा मशीन इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड विथ डिफरेंट ब्रांच, काइंडली कॉन्टेक्ट योर टिन FCHO, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए आपको अपना जो सिस्टम है, कंप्यूटर लैपटॉप है, उसका मैक एड्रेस है वो चेंज करना होगा। जब आप रजिस्टर करते हैं तब भी आपको सेम एरर देखने को मिलता है, जब आप मशीन को रजिस्टर करते हैं तब भी यही एरर देखने को मिलता है। तो अपना सिस्टम का मैक एड्रेस किस प्रकार चेंज किया जाता है, इस पूरी हम देखने वाले हैं। तो मैक एड्रेस चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर इसमें सर्च बार में सर्च करना होगा डिवाइस मैनेजर, ठीक है। डिवाइस मैनेजर आपको सेलेक्ट कर लेना है और इस पर सेलेक्ट करने के बाद आपको यह टूल ओपन हो जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर नेटवर्क एडाप्टर पे जाना है और इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन है देखने को मिल जाएंगे। ये ब्लूटूथ का है और ये आपका ब्रॉडकैम होगा, वो उसका नेट का है। तो इन में से कोई एक को सेलेक्ट करना होता है, वो कौन सा सेलेक्ट करेंगे इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर CMD टाइप करेंगे, यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेना है और इधर आपको टाइप करना होगा, यहाँ पर एंटर करना है IP config /all एंटर इस प्रकार, ठीक है। अभी इसमें क्या करना है, देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, यहाँ पर मैं इसको ये वाला देख सकते हैं मीडिया स्टेट, यहाँ पर मीडिया डिसकनेक्टेड, ये डिसकनेक्टेड। अब इसमें देखना है कनेक्टेड कौन सा है, तो कनेक्ट वाला इसमें हमें देखने को मिलेगा, यहाँ पर ऊपर लेते हैं इसको, ऊपर स्क्रॉल करेंगे करते हैं और सारी जगह यहाँ पर मीडिया डिसकनेक्टेड बता रहा है और यहाँ पर देखो लाइन बता रहा है, यहाँ पर ये इसमें कुछ कनेक्टेड बता रहा है नेट, ठीक है। तो ये कनेक्ट है इसमें इस नाम से, ठीक है। तो इस नाम से उसमें ढूंढना है इस नाम से कौन सा ऑप्शन है इससे रिलेटेड, तो इससे रिलेटेड यहाँ पर इसका यहाँ पर गीगा बाइट कंट्रोलर और यहाँ पर ब्रॉडकैम, तो ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। चलिए इसी ऑप्शन को के साथ ट्राई करके देख लेते हैं। और यहाँ पर आ जाने के बाद इसको इस प्रकार राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाना होता है, एडवांस पे जाएंगे और इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर एडवांस पे जाते हैं तो वो ऑप्शन इसके अंदर नहीं मिल रहा है, तो हमने शायद रॉन्ग ऑप्शन सेलेक्ट किया है। बैक आ जाते हैं, ये ऊपर वाला ऑप्शन है सेलेक्ट करके इसके ऊपर प्रॉपर्टीज में जाते हैं, इसमें देखते हैं तो ये ऑप्शन करेक्ट है, इसी में होगा चेंज। तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा लोकली, यहाँ पर लोकली एडमिनिस्ट्रेट मैक एड्रेस, ठीक है। ये वाला सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर नो प्रेजेंट है तो इसको टिक वैल्यू पर क्लिक कर देना। अब इसमें एक वैल्यू एंटर करना होगा, यानी मैक एड्रेस एंटर करना होगा। तो मैक एड्रेस आपको रैंडम मैक एड्रेस एंटर कर सकते हैं, उसके लिए आप गूगल में सर्च कर सकते हैं मैक एड्रेस रैंडम जनरेट। तो आप ये वाला वेबसाइट ओपन कीजिएगा miniwebtool.com के नाम से, तो इस वेबसाइट को इस प्रकार ओपन कर लीजिएगा और इसमें आपको ये मैक एड्रेस फॉर्मेट में आपको ये लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में आपको इसको ऐसे रहने देना, जनरेट मैक एड्रेस पर क्लिक कर देना है और आपका ये मैक एड्रेस आ चुका है, ठीक है। मैक एड्रेस जनरेट हो चुका है ये वाला, तो इसको कॉपी कीजिएगा और यहाँ पर आ जाइएगा, यहाँ पर अगेन इस प्रॉपर्टीज में जाते हैं, एडवांस पर जाके इस प्रकार यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और ओके बटन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और वही आपका मैक एड्रेस है वो चेंज हो चुका है। अभी आप लॉग इन करोगे तो ये प्रॉब्लम है नहीं आएगा, तो इस प्रकार इस प्रॉब्लम को आप फिक्स कर पाएंगे।